अब आप टीवी के सामने रहे ना रहे, आप जुड़े रह सकते हैं सीएमबी से आवाज से कहीं भी कभी भी। सीएमबी से आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए एसएमएस कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले, फील द चेंज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा। इस शो में आपको प्रेरणा भी मिलेगी, आइडिया भी, बिजनेस बढ़ाने की तरकीबें भी और बड़ा बनने के सबक भी। अगले आधे घंटे में हमारे साथ देखिए, खाने की पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉइल बनाकर राकेश और ऋषि गुप्ता ने कैसे बनाई अपने लिए 250 करोड़ रुपए की कंपनी। एक आइडिया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शुरू किए जाएं जो यहाँ पे कॉमन नहीं है। भारत का खाना भारत के बाहर, फ्रोजन फूड कंपनी जिंदल एग्रो का बिजनेस मॉडल। हमने ये कंपनी करीब 40 करोड़ के एक्सपेंडिचर से शुरू करी थी, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जाएंगे एक ऐसे स्टोर जहां कपड़े या जूते नहीं बल्कि बीज, पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर्स मिलते हैं। फार्मर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक जगह से सब चीज मिल जाए, इस तरफ का कॉन्सेप्ट है। खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल किसी किचन में बहुत थोड़ी सी ही जगह लेती है, लेकिन दो भाइयों के लिए यही फॉइल उनका बिजनेस है। आज एसआर फॉइल्स एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने के अलावा टिश्यू पेपर भी बनाती है। तनुश्री बैनर्जी के साथ देखिए 250 करोड़ रुपए की इस कंपनी के कामयाबी का सफर। विदेशों में खाने की हाइजीनिक पैकिंग से प्रेरित होकर ऋषि और राकेश गुप्ता दो भाइयों ने मिलकर एसआर फॉइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड की डाली। 1993 में खाने की बेहतर पैकिंग के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स बनाने से शुरू इस कंपनी के आज करीब 4 ब्रांड्स हैं, एसआर फूड फॉइल्स, एसआर चपाती रैप, एसआर क्लीन रैप और एसआर मिस्टिक। ये सभी ब्रांड्स आज घर घर की जरूरत बन गए हैं। इन प्रोडक्ट्स का यूज हमने बाहर देखा था और बाहर की कंट्रीज में इनका बहुत वास्ट यूज उस समय भी होता था, आज से 20 साल पहले भी बहुत यूज होते थे। तो वो देख के कई बार लगता भी था कि अपने देश में ऐसा क्यों नहीं होता, और शायद ऐसा होने लगेगा अगर कोई उसको सही तरीके से उस बिजनेस को चलाए और उन प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से प्रेजेंट करे। तो ये एक आइडिया था, और ऐसा नहीं कि मार्केट एक साथ ही मिल गई, एक छोटी सी मार्केट थी। 230 करोड़ की इस कंपनी की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई। इस बिजनेस के लिए जरूरत है जगह की, कुछ मशीनों की और लोगों की। क्योंकि इनके पास जगह पहले से ही थी, इसीलिए ज्यादातर शुरुआती खर्चे मशीनों पर और मार्केटिंग पर किए गए। हमने जब शुरुआत की तो हमने फॉइल से की थी सिर्फ, और फॉइल की कन्वर्टिंग मशीन्स लगाई थी जो लोकली डेवलप करवाई गई, जिसमें कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ हमारा। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर मिलते रहे, अवेयरनेस बढ़ती रही, उस हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहे। जब हमारी एक लेवल पे कैपेसिटी पहुंच गई तो हमने ये सोचा कि अब अच्छी मशीनों की जरूरत पड़ेगी हमें, तब हमने मशीनें इंपोर्ट की और उनसे प्रोडक्शन करना शुरू किया। इसको अल्टीमेटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए आज हम इसका रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हैं और सारा कन्वर्जन भी खुद ही करते हैं। करीब 17 साल पहले टिश्यूज फॉइल्स का इस्तेमाल ज्यादातर होटल्स, हॉस्पिटल्स और एयरलाइंस तक ही सीमित था। ऐसे में एसआर फॉइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड ने सबसे पहले इस छोटे से मार्केट को अपनी जेब में किया, और वो मुश्किल नहीं रहा क्योंकि उस वक्त देश में ज्यादा लोग इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाते थे। और वाजिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर एसआर फॉइल एंड टिश्यूज ने पहले से मौजूद इस बाजार पर अपनी पकड़ बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने रुख किया डोमेस्टिक मार्केट का, जहां अपनी एक अलग पहचान बनाने से पहले जरूरत थी लोगों को हाइजीन के बारे में बताने की और ऐसे प्रोडक्ट की अहमियत समझाने की। सबसे पहले हमने रीच करवाई हर एक के पास, हर जगह उसकी प्लेसमेंट करके उसका मर्चेंडाइजिंग करवाई, एग्जीबिशंस वगैरह में हमने पार्टिसिपेट किया, और ये इंश्योर किया कि हमारी क्वालिटी ऐसी जाए
ताकि जो एक बार यूज करे प्रोडक्ट वो उसको दोबारा यूज करने के लिए सोचे। और इसके साथ साथ हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की एडवर्टाइजिंग में और अलग अलग तरीके से इसको मीडिया में एडवर्टाइज किया, और जैसे एग्जीबिशंस स्कूलों में जाके डेमोस करने ये सब करवाए, इस तरह की काफी एक्टिविटीज की हमने। एसआर फॉइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड एल्युमिनियम फॉइल्स के अलावा रोटी रैप टिश्यू के अलग अलग वैरायटी बनाने लगी। लोगों में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ ये जरूरी है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो, ताकि कस्टमर्स तक आपका ब्रांड उनकी जरूरत के वक्त पहुंच सके। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मेजर सिटीज में अपने खुद के गोडाउन्स बनाए हुए हैं, जहां से कि हम प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करवा देते हैं, टाइमली प्रोडक्ट मिल जाता है लोगों को। बाकी ऑल इंडिया हमारे C&F हैं, जहां पे उनके पास पूरा गोडाउन स्पेस है जिसमें प्रोडक्ट्स को वो स्टोर करते हैं। किसी भी एरिया में किसी की भी रिक्वायरमेंट हो तो उनको प्रोडक्ट वो टाइम से मिल सके। एसआर फॉइल एंड टिश्यूज लिमिटेड बिग बाजार, रिलायंस जैसे रिटेल चेन्स के साथ साथ करीब 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 500,000 छोटे बड़े रिटेलर्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। आने वाले दिनों में कंपनी एक्सपोर्ट में भी अपना सिक्का जमाना चाहती है। तनुश्री बैनर्जी, नोएडा। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे जिंदल एग्रो भारत के खाने का जायका फ्रोजन फूड टेक्नोलॉजी के जरिए विदेश तक पहुंचा रही है।